दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो एसबीआई के माध्यम से बेनिफिशियरी ऐड करके मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको योनो एसबीआई को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप यूज़र नेम पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लॉगिन का एक बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप एम पिन से यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एम पिन से इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आप योनो एसबीआई के होम पेज पे पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करके मनी ट्रांसफ़र करने के लिए तो योनो पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको पहले से बेनिफिशियरी ऐड होगा तो इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बेनिफिशियरी दिखा दिया जाएगा। अगर कोई भी बेनिफिशियरी ऐड नहीं होगा पहले से तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहले पे ए न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे देंगे। अगर आप नहीं जानते हैं प्रोफाइल पासवर्ड क्या है तो यहाँ पे आप फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड का पूरा नंबर यहाँ पे देंगे, उसके बाद एटीएम पिन यहाँ पे देंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आप नया प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा दोबारा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 8 से 20 कैरेक्टर में आपको बनाना है पासवर्ड, और कुछ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी देना है, कुछ कैपिटल में भी देना है, कुछ स्मॉल में भी देना है, और कुछ न्यूमेरिकल का भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पे पासवर्ड बना सकते हैं जैसा कि स्क्रीन में आपको बताया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पासवर्ड चेंज हो चुका है, यानी कि आपका नया बन चुका है। उसके बाद गो टू लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चाहे तो रेटिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस वाले अगले पेज पे। तो लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से आप यहाँ पे अपना एम पिन यहाँ पे जो है आप इंटर कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एम पिन इंटर कर लेते हैं। एम पिन इंटर करने के बाद फिर से यहाँ पे योनो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे देखिए पे ए न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो अभी आप पासवर्ड बना है वो इंटरनेट बैंकिंग का वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए अगर आपको जिस भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अगर उनका एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई का बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर अदर बैंक का उनका अकाउंट है जिसमें आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बेनिफिशियरी को ऐड करके तो यहाँ पर अदर बैंक पर क्लिक करके आप बेनिफिशियरी उनका ऐड कर सकते हैं। एसबीआई में आईएफएससी कोड नहीं लगता है। अदर बैंक में अगर आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं उसमें जो है आपका आईएफएससी कोड इंटर करना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे एसबीआई पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम इंटर करेंगे, अकाउंट नंबर उनका एंटर करेंगे, फिर से दोबारा अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। मैक्सिमम लिमिट आप सेट कर सकते हैं, कितना आप भेजना चाहते हैं उससे 5000 बढ़ा के आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। निक नाम में आपको जो अच्छा लगता है दे सकते हैं। उसके बाद अगर अदर बैंक का करना चाहते हैं तो अदर बैंक पे आप क्लिक करेंगे। चलिए हम अदर बैंक पे क्लिक कर देते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनका नाम, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, उसके बाद फिर से दोबारा अकाउंट नंबर, उनका देखिए आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। जो कि अगर आप एसबीआई किसी व्यक्ति का बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो उनमें आईएफएससी कोड नहीं खोजा जाता है। तो यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड इंटर करना है। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे निक नेम में आप कुछ भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपको पसंद आए। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट में आप जितना पैसा भेजना चाहते हैं उसे 4 या 5000 बढ़ा के आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका बेनिफिशियरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे कितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए हम 1000 यहाँ पे इंटर कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रिमार्क में यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैक पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है यू कैन इमीडिएटली ट्रांसफ़र अप टू 25000 रुपया आप कर सकते हैं इमीडिएटली ट्रांसफ़र। तो चलिए हम यहाँ पे रिमार्क में मैसेज इंटर कर देते हैं। उसके बाद पे वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको
सारा कुछ रिव्यू डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा और टर्म एंड कंडीशन पे आप एक्सेप्ट करेंगे और कंफर्म बटन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो पैसा सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफ़र ये सक्सेसफुल यहाँ पे खाते में पैसा चला गया है। तो यहाँ पे ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप बेनिफिशियरी ऐड करके मनी ट्रांसफ़र अभी तुरंत किए हैं और यहाँ पे देखिए आपको आपको बेनिफिशियरी जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेनिफिशियरी भी आपको दिया जाएगा। अगर किसी बेनिफिशियरी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बेनिफिशियरी ऐड करके पैसा ट्रांसफ़र तुरंत कर सकते हैं, इमीडिएटली आप यहां पे कर सकते हैं। तो अगर आप बेनिफिशियरी ऐड तुरंत करते हैं तो आप इमीडिएटली 25,000 ही आपको ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा।